वेलकम क्लास फिफ्थ सरीना पब्लिक स्कूल। आज हम अपने साइंस में नया चैप्टर चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। इसका टाइटल है, इसका हेडिंग है सन मून एंड एक्लिप्सिस। तो सन के बारे में मतलब कुछ अभी बताने की जरूरत नहीं है, मून के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और एक्लिप्सिस के बारे में आपको बता दें कि एक्लिप्सिस जो है वो दो होते हैं, आपको मालूम है, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। और एक्लिप्सिस हम जानते हैं, दो एक्लिप्स हमने पिछली छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। तो हम अपनी बात शुरू करेंगे सन से। सन जो कि एक स्टार है, लेकिन हमारी हमारे सोलर सिस्टम का, जिस सोलर सिस्टम में हम मौजूद हैं, हम मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, और इसी में हमारा ये सरदार सन है, और इसके चारों तरफ घूमते हुए 8 प्लैनेट्स हैं, और इन प्लैनेट्स के अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जैसे हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, एक ही है, इत्तेफाक से एक ही चार है हमारे पास। तो सन के बारे में बात करें, ये एक स्टार है, और स्टार आपको मालूम है, सब जितने भी स्टार हैं दे आर वेरी हॉट। सन का जो टोटल जिस चीज़ का वो बना हुआ है वो है गैसेस, और इसमें 70% हाइड्रोजन गैस है, और 70% हाइड्रोजन गैस कॉन्टीन्यूसली हीलियम में तब्दील होती रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा लाइट पैदा होती है। यही हीट और ये लाइट इस हमारे प्लैनेट पर लाइफ को सस्टेन करने में मदद कर रही है। तो इसका इसमें एक केमिकल चेन रिएक्शन चलता रहता है, जिसको जो जिसकी वजह से इतनी सारी हीट और लाइट पैदा होती है। और तो अगर हम और सन के बारे में कुछ, तो सन जितने भी हैं उसके चारों तरफ, सन जितने भी हैं वो स्टार्स जितने भी हैं वो सब हॉट हैं। उसी में से एक जो स्टार है वो हमारा हेड है, हमारे इस सोलर सिस्टम का। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। पहला है बिल्कुल जो सन के करीब है वो है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरे नंबर पर अर्थ है, चौथे नंबर पर जुपिटर है, पांचवें नंबर पर सैटर्न है, और सातवें नंबर पर यूरेनस है, और आठवें नंबर पर नेपच्यून है। ये इनके अपनी अपनी रेवोल्यूशन के पाथ हैं, ये अपने रेवोल्यूशन अर्थ के चारों तरफ पूरे करते रहते हैं। हमारी अर्थ सन की एक परिक्रमा, एक रेवोल्यूशन, एक बार पूरा चक्कर एक साल में लगा लेते हैं, उसी से हमने अपने साल को सेट कर रखा है। तो सन के बारे में और थोड़ी सी अगर हम जानकारी लें तो पता ये चलता है कि ये हमारी अर्थ से 150 किलोमीटर्स अवे डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ 100 मिलियन किलोमीटर। इसका जो और यही हमारा जो इतनी दूर होने के बाद भी जितने भी चेंजेस आते हैं हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर में मौसम बदलते हैं, उस सब के लिए जिम्मेदार सन ही है। इसकी जो लाइफ बताई जाती है वो 4.6 बिलियन लाइफ है। और डिस्टेंस जो डिस्टेंस हमने बता दी 150 मिलियन किलोमीटर्स है। डायमीटर जो है वो इसका
तकरीबन 13 लाख, 92,000 किलोमीटर है। और इसके अंदर इसका कोर का जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, बहुत गर्म, और यही गर्मी हमारे हमको लाइफ देती रहती है, इसी गर्मी से हमको लाइफ मिलती रहती है। तो ये कुछ इसके इसकी प्रॉपर्टीज थी, इसके कुछ फीचर्स थे, उसके अलावा आगे बात करेंगे।